यहां पहुंचे इसलिए आप सभी का आभार। एक बात जो हम आप शेयर करते हैं वो है पंचमदा के लिए बहुत सा प्यार। सिर्फ कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए आप वहां बैठे हैं और हम यहां हैं। कहा जाता है कि हर आदमी कवि होता है, हर आदमी कवि होता है, कविता कुछ लोग लिखते हैं, वैसे ही हर एक आदमी में एक संगीतकार छुपा रहता है, लेकिन कुछ ही लोग संगीतकार बन जाते हैं और हमारे लिए असीम आनंद का आकाश खुला कर देते हैं। उन्हीं में से एक पंचमदा। संगीत का प्रिज्म जैसे होता है, सात रंग में बिखेरने के लिए सूरज की किरणों को प्रिज्म से गुजरना पड़ता है। प्रिज्म न होता तो एक ही रंग सामने आता, व्हाइट शुभ्र धवल, वायलेट, इंडिगो, नीला, पीला, हरा, ऑरेंज, कुछ भी नहीं। पंचम वही प्रिज्म है, संगीत की किरणों को सात रंग में बिखेरने वाला और सात सुरों को संगीत में सम्मिलित करने वाला, जिंदगी के हर एक पल को एक सुर देने वाला, हर सुर को अपना रूप देने वाला, संगीत का एक अनोखा प्रिज्म। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। He was a unique person. His thinking was unique. Phenomenal. It's like a university of music. But too fun. He was always itching that I want to do something new, something. He's been naya kya kare, he's been naya kya gaana kaise gaane. There was something within him. I want to do it, and he did it. He did it that, and it worked. रखना दिल को खया, मेरी दीवानों का हो जाता है।
there all the time. He thought that every note that was there in the universe was for him to take. In another school of music that has come to be great. Those tantrika, panchi naulta tans. He was quite naughty. Quite naughty, chap. How say just yeah, harmonium sa niya kas, tatlo siya for what he mentioned niya kas. कहती है ये नजर कब का होगा खबर दुनिया में चंद दो होते हैं जादूगर कहती है ये नजर कब का होगा खबर दुनिया में चंद दो होते हैं जादूगर सुनिए जी उनके भी जादू कभी हो जाता है आँखों में यारों का दिल हो जाता है बिना भी डूब डूब धोखा कभी हो जाता है आँखों में दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आँखों में यारों का दिल खो जाता है कहते हैं कि सात सुरों से संगीत बनता है सारे गामा पाधानी हर सुर की अपनी अपनी एक विशेषता है हर सुर या तो कोमल होता है या तीव्र सिवाय दो के दो ही सुर न केवल न तीव्र होते हैं न कोमल एक तो है आधार सुर षड्ज सा और दूसरा पंचम 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 होता है अलग होता है अचल होता है आज का यह सफर पंचम सुरों का सफर ये सफर जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन का इतिहास नहीं ये प्रख्यात संगीतकार आर डी बर्मन का व्यक्तिगत चरित्र नहीं ये सिर्फ पंचम निर्मित सुरों का और अपनी सुरों के सुगंध से जिसने हमारे मन को बहका दिया उस पंचमदा की यादों का सफर पंचम द इमॉर्टल नोट आइए पंचम सुर से रूबरू हो जाए बचपन के वो सुहाने दिन कोलकाता में गुजरे उस वक्त पंचमदा के पिताजी प्रख्यात संगीतकार एस डी बर्मन साहब बंबई में व्यस्त हुआ करते थे अरमान नाम की फिल्म का रिकॉर्डिंग चल रहा था तब आशा जी से एस डी बर्मन साहब ने एक दुबले पतले लड़के को इंट्रोड्यूस किया आशा ये मेरा लड़का पंचम कोलकाता से आया है छुट्टियों के लिए आया है कुछ ही दिनों बाद आशा जी ने उसी लड़के को 9-2-11 के रिकॉर्डिंग पर साजिंदो के साथ बाजा बजाते हुए देखा आशा जी ने पूछा दादा क्या फिर से छुट्टियां हैं दादा ने कहा फेल हो गया हम भाग्यशाली है कि पंचमदा फेल हो गए फिर पिताजी के साथ असिस्टेंट बनके बहुत काम किया वहां एक दोस्त की मुलाकात हुई स्टूडियो की दीवार पर बैठकर दोनों बातें करते थे आगे की सोचते थे एक अपने पिताजी के सहारे मुंबई में पैर जमाने के